आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से 1 करोड़ की सुपारी से लदे ट्रक चोरी का आगरा पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। ट्रक एवं माल को गायब करने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी आगरा ने बताया कि ट्रक चालक ने ही चोरी की थी। 1 करोड़ की सुपारी से लदा ट्रक पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि ट्रक चालक और क्लीनर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने सुपारी का ट्रक, इनोवा कार और 220 बोरी सुपारी बरामद की। पुलिस के अनुसार दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर निवासी सुभाष चंद ने 24 मई को आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी में ट्रक चालक रवि भट्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके मुताबिक बेंगलुरु से 260 बोरी सुपारी लेकर 19 मई को दिल्ली जा रहे ट्रक को चालक और क्लीनर लेकर फरार हो गया। सुपारी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई। थाना प्रभारी श्रुति श्रीवास्तव ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस घटना के खुलासे में जुट गई। आगरा पुलिस और एसटीएफ की टीम इस घटना को खुलासा करते पीलीभीत से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सुपारी का ट्रक, एक इनोवा कार, 220 बोरी सुपारी भी बरामद की। चालक, क्लीनर और एक अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान ट्रक चालक की लोकेशन पीलीभीत मिली। इस पर टीम ने पीलीभीत के न्यूरिया गेट के समीप से इनोवा सवार शरद गुप्ता निवासी खटीमा उधम सिंह नगर, प्रदीप रावत निवासी चंपावत उत्तराखंड, हसन अजहरी निवासी बहेड़ी बरेली को पकड़ा। इनकी निशानदेही पर 220 बोरी सुपारी और ट्रक बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ट्रक चालक रवि भट्ट, परिचालक कालू जुनैद रजा, कबीर चंद उर्फी उस्ताद ने मिलकर चोरी की साजिश रची। चालक ने बताया था कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक से बेंगलोर से सुपारी आ रही है, उसे गायब कर बेच देंगे। इसके बाद 19 मई को धौलपुर की ओर से आ रहे सुपारी से भरे ट्रक को लेकर अलीगंज पीलीभीत पहुंच गए। ट्रक समेत माल को साथियों के सहयोग से छुपा दिया। आगरा से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फतेहपुर सीकरी में दिनांक 24 मई 2022 को वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि उसका एक ट्रक था जो कि पंजाब जनपद राज्य पंजाब पर रजिस्टर्ड है, उसमें 260 बोरी सुपारी जो कि पान के साथ धनी लोग यूज़ करते हैं, 260 बोरी सुपारी थी और एक बोरी में तकरीबन 70 किलो सुपारी रहती है। तो वो पूरा ट्रक में 260 बोरी सुपारी उसका जो ड्राइवर है उसने एक पूरे चाल के तहत अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसने पूरा ट्रक गायब कर दिया। तत्काल उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना फतेहपुर सीकरी में, और वहाँ पे इस समय जो थाना प्रभारी एसपी मैडम हैं उन्होंने अपने नेतृत्व में पूरा इस ऑपरेशन को टेकअप किया। इसमें जो अभियुक्त हैं इनकी अरेस्टिंग जनपद पीलीभीत से की गई है। इसमें हमारे जो एसटीएफ आगरा की यूनिट है हमने इनका भी हेल्प लिया, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी हमारी हेल्प की है इनकी अरेस्टिंग में। तो ये पूरा जो टीम वर्क है जिसमें एसपी फतेहपुर सीकरी ने काफ़ी अच्छी मेहनत करते हुए टीम लीड करते हुए पूरे गैंग के जो मोडस ऑपरेंडी उसका पता लगाया, और पूरे गैंग में 7 लोग हैं, इसमें से 3 लोग की अरेस्टिंग हो गई है जो, और इसके अलावा जो ट्रक है वो ट्रक बरामद हो गया है। 260 बोरी में से 220 बोरी सुपारी बरामद हो गई है जिसकी बाजारी कीमत लगभग 80 से 85 लाख है। साथ के साथ जो इनोवा गाड़ी इसमें घटना में प्रयोग हुई है वो इनोवा गाड़ी भी बरामद हो गई है। जो शेष अभियुक्त 4 हैं इनकी तलाश जारी है, और जो 40 बोरे अभी सुपारी हमें मिले नहीं है, हम संभवतः उनके पास ही हैं तो वो भी हम बरामद भी करें। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द रेड जन न्यूज को जरूर देखें, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।